भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी मंडी व युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर ने की। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी मंडी व युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर ने की। इस अवसर पर विजेंद्र ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। मरहूम राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण है। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिसमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल हैं। वे देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश हासिल हुआ था। अपने प्रधानमंत्री काल में राजीव गांधी ने नौकरशाही में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कारगर कदम उठाए। आजाद भारत स्वर्गीय राजीव के महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। मैं अनिल शर्मा, अध्यक्ष मंडी लोकसभा युवा कांग्रेस। आज अखिल भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश के अंदर राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस के रूप में रक्तदान शिविरों का आयोजन हर जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में भी जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर का आयोजन युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। राजीव गांधी जी जो सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने 18 वर्ष से की आयु वाले युवा को मत डालने का अधिकार देकर के पंचायती राज को सुदृढ़ किया, आज के नौजवान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश उनका जीवन हमारे लिए है। उन सबको उनका अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव जोगिंदर गुलेरिया, अनु मेहरा, ज्ञान कुमारी, प्रवीण ठाकुर, अनिल शर्मा, आजाद ठाकुर, उपेंद्र शर्मा, लाभ सिंह, साहिल ठाकुर, रविंद्र सिल्ली, योगेश पटियाल, महेश कुमार, मोहित ठाकुर, ओम प्रकाश सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।